हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मैं आपका होस्ट स्वर्णिम गुप्ता स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ट्रेंड ज्ञान। तो दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए बहुत ही नई और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि आज की इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ एक मैच प्रिडिक्शन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो ये वीडियो आज की जो है स्पेशली क्रिकेट लवर्स के लिए है, वैसे तो सभी के लिए, लेकिन जिन्हें मैच प्रिडिक्शन के बारे में जानकारी चाहिए उनके लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। और आज जिस मैच के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो है इंडिया टूर ऑफ आयरलैंड। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया की जो यंगस्टर्स की टीम है वो जा रही है आयरलैंड के टूर पे, 2 T20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी इन दोनों टीम्स के बीच में। और आज की जो है मैच प्रिडिक्शन है फर्स्ट T20 मैच की मैच प्रिडिक्शन है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन इस मैच के बारे में। आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कि कब ये मैच है, कब टाइम है, किस टाइम पे टेलीकास्ट होगा, ग्राउंड कौन से ग्राउंड में मैच है, ग्राउंड के फैक्ट्स क्या हैं, ग्राउंड के स्टैट्स क्या हैं, ग्राउंड के रिकॉर्ड्स क्या हैं, ग्राउंड पे अब तक कितने मैचेस हो चुके हैं, कौन से फॉर्मेट में फर्स्ट बैटिंग करते हुए कौन सी टीम कितने मैचेस जीती है, सेकंड बैटिंग करते हुए कौन से फॉर्मेट में कितने मैचेस जीती है, पिच रिपोर्ट कैसे होने वाली है इस ग्राउंड की, बैटिंग पिच होगी या फिर बॉलिंग पिच होगी, पिच बिहेव कैसा करेगी बैट्समैन के लिए, बॉलर्स के लिए, अगर कौन से के लिए ज़्यादा बेनिफिट होगी पिच का, बैटिंग पिच में या फिर बॉलिंग पिच पे, बॉल इसके बॉलर के लिए ज़्यादा इफेक्टिव होगी तो कौन से बॉलर्स होंगे, फास्ट बॉलर्स होंगे या फिर स्पिन बॉलर्स होंगे, क्या क्या रिकॉर्ड्स रहे हैं इस ग्राउंड पे, टॉप 10 हाईएस्ट स्कोरिंग मैचेस कौन से रहे हैं इस ग्राउंड पे, टॉस फैक्टर क्या रहने वाला है कि अगर कैप्टन टॉस जीतता है तो वो पहले क्या चूज करेगा, बैटिंग चूज करेगा या फिर बॉलिंग चूज करेगा, कौन कितने मैचेस जीता है इस ग्राउंड पे फर्स्ट बैटिंग करते हुए, सेकंड बैटिंग करते हुए। और हाँ, अगर आपको ड्रीम इलेवन या फैंटेसी टीम बनाना भी पसंद है तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन भी इसमें मिलने वाली है। मैं आपको बताऊंगा कौन से ऐसे टॉप 2 बैट्समैन है, टॉप 2 बॉलर्स है दोनों टीम्स के, जो आप अपनी ड्रीम इलेवन टीम में जरूर रखें ताकि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। जो ये मैच है इंडिया वर्सेज आयरलैंड का, फर्स्ट T20 का जो मैच है, खेला जाएगा द विलेज डबलिन नाम के ग्राउंड पे। आपको पता होगा आयरलैंड में ग्राउंड लोकेटेड है। चलिए देखते हैं इस ग्राउंड के कुछ फैक्ट्स। जो ये ग्राउंड ओपन हुआ था दोस्तों, वो हुआ था 1861 में ये ग्राउंड ओपन हुआ था। और इस ग्राउंड की जो कैपेसिटी है दोस्तों वो है 11,500 पीपल्स की, एक साथ 11,500 लोगों को बैठ के मैच दिखा सकता है। इस ग्राउंड को हम जानते हैं माला हाइट क्रिकेट क्लब के नाम से भी। इस ग्राउंड के जो दो एंड्स हैं वो फेमस हैं डबलिन रोड एंड और कैसल एंड के नाम से। दोस्तों, इस ग्राउंड की जो लोकेशन है ये लोकेटेड है डबलिन आयरलैंड में। अब बात करते हैं दोस्तों इस स्टेडियम के स्टैट्स के ऊपर, द विलेज के स्टैट्स के ऊपर कि कौन से मैच कितने मैच खेले गए हैं कौन से फॉर्मेट में। अगर T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट की बात करें, T20 इंटरनेशनल अब तक इस ग्राउंड पे 14 मैचेस खेले गए हैं। 14 में से फर्स्ट बैटिंग करते हुए जो टीम जीती है 6 मैचेस जीती है, सेकंड बैटिंग करने वाली टीम जो है दोस्तों वो 8 मैचेस जीत चुकी है। फर्स्ट इनिंग का जो एवरेज स्कोर है वो दोस्तों 162 रन्स का है। हाईएस्ट स्कोर जो है स्कॉटलैंड की टीम ने बनाया था यहाँ पे 252 पे 3 विकेट्स, और लोवेस्ट स्कोर जो है वो आयरलैंड की टीम ने बनाया था 70 पे ऑल आउट हो गई थी। अगर स्कोरिंग पैटर्न की बात करें, स्कोरिंग पैटर्न में अब तक 150 से कम का स्कोर 6 बार बनाया, 150 से 169 के बीच का स्कोर 2 बार बनाया, 170 से 179 के बीच का स्कोर जो है वो 2 बार बनाया, और 190 से ज़्यादा का स्कोर 4 बार बन चुका है। अब बात करते हैं दोस्तों ओडीआई स्टैटिक्स के बारे में। वनडे इंटरनेशनल में अब तक कितने मैचेस खेले गए हैं, वो 16 मैचेस खेले गए हैं इस ग्राउंड पे अब तक वनडे इंटरनेशनल के, जिसमें से फर्स्ट बैटिंग करते हुए 7 मैचेस जीती है, तो सेकंड बैटिंग करने वाली टीम जो है वो 9 मैच जीत चुकी है। एवरेज फर्स्ट इनिंग का जो स्कोर है वो है 268 रन का। हाईएस्ट स्कोर अब तक बनाया श्रीलंका की टीम ने 377 पे 8 विकेट्स, और लोवेस्ट स्कोर जो है वो आयरलैंड की टीम ने बनाया 82 पे ऑल आउट हो गई थी। स्कोरिंग पैटर्न अगर देखें तो अब तक स्कोर 200 से कम का स्कोर जो है 4 बार बन चुका है, 200 से 250 के बीच का स्कोर 3 बार बना है, 250 से 299 के बीच का स्कोर जो है वो 3 बार बना है, और 300 से ज्यादा का स्कोर इस ग्राउंड पे अब तक 6 बार बन चुका है। अब बात करते हैं दोस्तों स्टेडियम की पिच कैसे होने वाली है, मैच कैसा रहेगा, पिच पे पिच कैसा इंपैक्ट डालेगी। तो दोस्तों, जो ये स्टेडियम का जो बाउंड्री है वो ज्यादा बड़ी बाउंड्री नहीं है, छोटा स्टेडियम है, तो इस वजह से बैट्समैन को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, अप्रोप्रिएट रन मिल सकते हैं, और जो बैटिंग पिच का बिहेवियर रहेगा दोस्तों वो बैट्समैन के ज़्यादा फेवर में रहेगा, क्योंकि ये बैटिंग फ्रेंडली विकेट है। और लेकिन इस पे जो है ग्रीन ग्रास आपको देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से पेसर्स को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि पेसर्स की बॉल जो है बहुत ज़्यादा स्विंग होगी, तो स्पिनर से ज़्यादा इफेक्टिव यहाँ पे पेसर्स होने वाले, टीम अपने पेसर्स को लेके ही उतरेगी अपनी प्लेइंग 11 में भी। तो अब बात करते हैं दोस्तों स्टेडियम के इस मैच के वेदर रिपोर्ट के बारे में कि वेदर कैसा होने वाला है, ड्यू फैक्टर रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि ड्यू फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है इस मैच के रिजल्ट्स के लिए। प्रेसिपिटेशन के जो चांसेस हैं दोस्तों वो 2% होंगे, और ह्यूमिडिटी के जो चांसेस वो 73% के होंगे, यानी आपको ड्यू फैक्टर देखने को जरूर मिलेगा। और विंड का जो स्पीड रहेगी वो रहेगी 24 किलोमीटर पर आवर की, और टेम्परेचर जो रहेगा 13 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रहेगा।
अब बात करते हैं दोस्तों ड्रीम इलेवन फैंटेसी प्लेयर्स के बारे में कि कौन से प्लेयर्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सकते हैं अगर आप इन्हें रखते हैं अपनी ड्रीम इलेवन की टीम में। इंडिया से अगर बात करें, इंडिया से आप रख सकते हैं अपनी टीम में सूर्य कुमार यादव को। 14 मैचेस खेले इन्होंने, 351 रन बनाए हैं, स्ट्राइक रेट जो है 165.57 का है और एवरेज जो है 39.0 की है। सेकंड पे है वेंकटेश अय्यर, आप इन्हें भी रख सकते हैं। 9 मैचों में इन्होंने 133 रन बनाए हैं, स्ट्राइक रेट 162 रन का है, एवरेज जो है 33.25 रन की है। अब अगर आयरलैंड की टीम से बात करें तो आयरलैंड की टीम से आप ले सकते हैं एंड्रू बल्बरीन को। इन्होंने 66 मैचेस में 1429 रन बनाए हैं और स्ट्राइक रेट जो है इनका 126.68 का है, एवरेज 23.82 की है। सेकंड पे आप रख सकते हैं पॉल स्टर्लिंग को। इन्होंने 102 मैचेस में 2776 रन बनाए हैं, स्ट्राइक रेट जो है 134.69 का है और एवरेज जो है 29.53 रन की है। अब बात करते हैं दोस्तों बॉलर्स की, मतलब कौन से बॉलर्स आपको पिक करने चाहिए अपने इस ड्रीम इलेवन के टीम में। इंडिया की टीम से आप ले सकते हैं युजवेंद्र चहल को, जिन्होंने 59 मैचेस में 74 विकेट लिए हैं और इनकी इकोनॉमी जो है 8.19 की है। सेकंड पे आप ले सकते हैं हर्षल पटेल को, इन्होंने 13 मैचेस में 18 विकेट लिए हैं और इनकी जो इकोनॉमी है वो 8.14 की। उसके बाद अगर आयरलैंड की टीम से आपको बॉलर चूज करने हैं, आयरलैंड की टीम से आप चूज कर सकते हैं जोश डोकरेल को, जिन्होंने 92 मैचेस में 76 विकेट लिए हैं और इकोनॉमी 7.13 की है। उसके बाद सेकंड बॉलर हैं बैरी मैकार्थी, जिन्होंने 19 मैचेस में 20 विकेट्स लिए हैं और जो इनकी इकोनॉमी है 9.18 की। अब बात करते हैं दोस्तों स्टेडियम के कुछ हाइएस्ट रिकॉर्ड्स के बारे में ओडीआई फॉर्मेट के, कि ओडीआई में अब तक टॉप 10 मैचेस कौन से रहे हैं, हाइएस्ट स्कोरिंग मैचेस कौन से रहे हैं। फर्स्ट पे श्रीलंका की टीम, जैसा कि मैंने आपको बताया 377 पे 8 विकेट बनाए थे इन्होंने आयरलैंड के खिलाफ 2016 में। उसके बाद जो टीम है वो है साउथ अफ्रीका, इन्होंने 346 पे 4 विकेट बनाए थे आयरलैंड के खिलाफ 2021 में। उसके बाद न्यूजीलैंड ने बनाए थे 344 पे 6 विकेट आयरलैंड के खिलाफ 2017 में। उसके बाद की जो टीम है दोस्तों वो पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, ये थी टॉप 10 टीम्स जिन्होंने टॉप 10 मैचेस स्कोर किए हैं इस ग्राउंड पे ओडीआई फॉर्मेट में। अब अगर हाईएस्ट स्कोरिंग मैचेस देखे T20 फॉर्मेट में, क्योंकि जो है सीरीज है T20 सीरीज है, तो T20 में कौन सी टीम ने सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोरिंग किया है, टॉप 10 मैचेस कौन से हैं हाईएस्ट स्कोरिंग। स्कॉटलैंड की टीम ने बनाए हैं 252 पे 3 विकेट, नीदरलैंड के खिलाफ बनाए थे 2019 में। उसके बाद इंडिया की टीम ने बनाए हैं 213 पे 4 विकेट आयरलैंड के खिलाफ 2018 में। उसके बाद दोबारा इंडिया का नाम आया, इंडिया ने टॉप 3 में सेकंड पोजीशन सेकंड रिकॉर्ड बनाया, 208 पे 5 विकेट आयरलैंड के खिलाफ बनाया था 2018 में ही। उसके बाद की जो टीम्स है दोस्तों वो है आयरलैंड, नीदरलैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, नीदरलैंड, आयरलैंड, ये थी टॉप 4 टीम्स। यही 4 टीम्स है जो टॉप 10 मैचेस हाईएस्ट स्कोरिंग मैचेस में रिपीट हो रही हैं बार बार। तो दोस्तों अब बात करते हैं स्टेडियम के टॉस फैक्टर के बारे में, कि टॉस फैक्टर क्या होने वाला है स्टेडियम पे, क्या रहेगा टॉस का। अगर कोई कैप्टन टॉस जीतता है तो पहले क्या चूज करेगा, बैटिंग चूज करेगा फिर बॉलिंग चूज करेगा। अगर टेस्ट फॉर्मेट की बात करें, टेस्ट फॉर्मेट में अब तक इस ग्राउंड पे एक ही मैच हुआ है, वो बैटिंग करते हुए फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम ने ही जीता है। फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर जो है टेस्ट फॉर्मेट में 310 रन का है, सेकंड इनिंग का जो एवरेज स्कोर है वो है 130 रन का। तो दोस्तों अगर कोई कैप्टन टॉस जीतता है तो इसमें बैटिंग के लिए ही जाएगा, क्योंकि पिच जो है बैटिंग फ्रेंडली पिच है। ओडीआई फॉर्मेट की बात करें, ओडीआई में अब तक इस ग्राउंड पे जो फर्स्ट बैटिंग करते हुए टीम ने मैच जीते वो 7 मैच जीते हैं, सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने 9 मैच जीते हैं। फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 247 रन का है, सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर 221 रन का है। तो दोस्तों ओडीआई फॉर्मेट में अगर कोई कैप्टन टॉस जीतता है बेसिकली वो सेकंड बैटिंग के लिए जाएगा, क्योंकि ड्यू फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाएगा और पिच रिपोर्ट के हिसाब से भी सेकंड इनिंग में जो बॉलिंग करता है ड्यू फैक्टर के अगेंस्ट, तो ड्यू फैक्टर में आपको बॉल बहुत ज़्यादा गीली हो जाती है, बहुत बॉल स्किट करती है, हाथ से फिसलने लगती है, इस वजह से कैप्टन जो है पहले बॉलिंग के लिए जाएगा। अगर T20 फॉर्मेट की बात करें, T20 फॉर्मेट में भी फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम जो 7 मैच जीती है, सेकंड बैटिंग करने वाली टीम 11 मैच जीती है। फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 153 रन का है, सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर 136 रन का है। तो दोस्तों T20 फॉर्मेट में अगर कोई कैप्टन टॉस जीतता है तो वो बेसिकली फर्स्ट बॉलिंग चूज करेगा, क्योंकि ड्यू फैक्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है इस गेम में भी। अगर इस गेम में भी अगर कोई कैप्टन टॉस जीतता है वो फर्स्ट बॉलिंग चूज करेगा, टॉस जीत के वो पहले बॉलिंग के लिए ही जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों स्टेडियम की इंटरनेशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में, कि अब तक इस ग्राउंड पे कैसे कैसे क्या रहा है। अगर फर्स्ट जो एक ही इकलौता टेस्ट हुआ है इस ग्राउंड पे वो है 2018 में आयरलैंड वर्सेस पाकिस्तान के बीच। अगर फर्स्ट ओडीआई की बात करें, फर्स्ट ओडीआई हुआ था इसमें 2013 में, 3 सितंबर 2013 को आयरलैंड वर्सेज इंग्लैंड के बीच इस ग्राउंड पे। लास्ट ओडीआई जो हुआ था रिसेंटली वो हुआ था 16 जून 2021 को आयरलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। फर्स्ट T20 की बात करें, T20 इंटरनेशनल की, तो वो हुआ था नेपाल वर्सेस पापुआ न्यू गिनिया
17 जुलाई 2015 में लास्ट T20 जो हुआ था वो हुआ था इंडिया वर्सेस साउथ सॉरी आयरलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका 19 जुलाई 2021 में। वुमेन ओडीआई जो हुआ था फर्स्ट टेस्ट ग्राउंड पे हुआ था आयरलैंड वर्सेस न्यूजीलैंड की टीम का 3 जुलाई 2022 में। लास्ट वुमेन ओडीआई जो हुआ था आयरलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका की टीम का हुआ था 9 अगस्त 2016 में। वुमेन T20 जो फर्स्ट वुमेन T20 इस ग्राउंड पे हुआ था वो हुआ था आयरलैंड वर्सेस पाकिस्तान के बीच में 28 मई 2009 में। लास्ट वुमेन T20 जो हुआ था वो हुआ था 30 जुलाई 2021 को आयरलैंड वर्सेस नीदरलैंड की टीम के बीच में। तो दोस्तों ये थी इस मैच की मैच प्रिडिक्शन और इस ग्राउंड के स्टैट्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि बेल आइकन से आपको नई वीडियो की अपडेट मिलने वाली है। तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अलविदा दोस्तों।